बिजली कटौती से दिल्ली बेहाल। बिजली कटौती से परेशान लोगों का फूटा सब्र का बांध। गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा, आगजनी की वारदात। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गुस्साई भीड़ ने बस को बनाया निशाना, बस को की आग के हवाले। बस में आग लगाने से पहले भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, बस के शीशों को तोड़ा। दिल्ली के जाफराबाद में हुई वारदात। पूर्वी दिल्ली में भारी कटौती से लोगों की नाराजगी अपने चरम पर। पुलिस ने किया अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक तोड़फोड़ करने वालों की नहीं हुई शिनाख्त। वक्त रहते हंगामा थमा नहीं तो हो सकता है बड़ा हादसा। बेकाबू भीड़ पर जैसे तैसे पाया गया काबू। बाल बाल बचे बस में सवार मुसाफिर, हंगामा देख वक्त पर बाहर निकले यात्री। भीड़ ने मुसाफिरों पर नहीं किया रहम। हंगामे में कई यात्रियों को आई चोट, तोड़फोड़ के दौरान घायल हुए यात्री। पर बाहर निकले यात्री, भीड़ ने मुसाफिरों पर नहीं किया रहम। हंगामे में कई यात्रियों को आई चोट, तोड़फोड़ के दौरान घायल हुए यात्री। गुस्साई भीड़ से बचाने की गुहार लगाते रहे मुसाफिर। पूर्वी दिल्ली में जारी है भारी बिजली कटौती। 10-12 घंटे की कटौती से पूर्वी दिल्ली के इलाकों में आम जनता में भारी रोष। दिल्ली में बिजली को लेकर जारी है सियासत। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी बिजली कटौती का ठीकरा फोड़ रही है एक दूसरे के सिर। 16वीं लोकसभा के पहले सत्र का आखिरी दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का आज देंगे जवाब। मंगलवार को हुई थी अभिभाषण पर चर्चा। आज राज्यसभा जाएंगे मोदी, धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे मोदी। विपक्ष के सवालों पर मोदी के जवाब पर टिकी है देश की निगाहें। शाम 4 बजे लोकसभा में और शाम 5 बजे राज्यसभा में मोदी देंगे जवाब। विपक्ष के पूछे गए सवालों और एतराज पर देखने को मिलेगा मोदी का रुख। मोदी अपने जवाब में कई अहम मुद्दों को करेंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक महंगाई, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश नीति पर सरकार की नीतियों पर करेंगे बात। कांग्रेस के उठाए गए मसलों पर मोदी देंगे जवाब। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए हैं यूपीए की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप। आज होगी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक। 61 कोल ब्लॉक्स आवंटन में इस्तेमाल की गई बैंक गारंटी के मुद्दे पर होगी चर्चा। मंगलवार को रखी गई थी IMG की बैठक, किन्हीं वजहों से मीटिंग को रद्द कर आज बुलाया गया है। बैंक गारंटी का है मामला, नामी कंपनियों से जुड़ा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। देश के सभी राज्य इकाइयों की महिला कार्यकर्ता रहेंगी मौजूद। महिला कांग्रेस के नेशनल काउंसिल की बैठक का आज है दूसरा और आखिरी दिन। देश के सारे सूबों से पहुंची महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे राहुल। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के मसले पर राहुल गांधी करेंगे बात और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर राहुल रखेंगे विचार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के खिलाफ FIR दर्ज। 2,56,00,000 का गबन का आरोप। राजस्थान पुलिस के मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में एम्बुलेंस सेवा 108 के संचालन में इस घोटाले को दिया गया अंजाम। FIR में कई अधिकारियों के बिना। इश्रजहां एनकाउंटर मामले में CBI और गृह मंत्रालय के बीच बने टकराव के हालात। गृह मंत्रालय ने CBI से मांगी है केस डायरी। CBI का केस डायरी सौंपने से इनकार। सूत्रों के मुताबिक CBI कानूनी राय मशवरा के बाद लेगी फैसला। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक CBI से मांगी गई है कुछ और अहम जानकारियां और दस्तावेज। बदायूं गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया रिश्वत देने का आरोप। मामले को दबाने के लिए पीड़िता परिवार पुलिस ने रिश्वत की पेशकश की, ये आरोप लगा रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मामले में खामोश रहने के एवज में बदायूं पुलिस के कुछ अधिकारियों ने परिवार को नोएडा, बरेली और लखनऊ में से किसी भी शहर में जमीन दिलवाने की बात कही थी। यही नहीं, प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को दबाने के लिए पीड़ित परिवार के एक एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का भी लालच दिया था। पीड़ित परिवारों ने यूपी सरकार और बदायूं प्रशासन को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनका यूपी सरकार और प्रशासन पर नहीं है भरोसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड मामले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई। याचिका में मामले की जांच CBI से कराने की मांग। अखिलेश सरकार करेगी जवाब दाखिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चा। बीजेपी की ओर से लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी और राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने चर्चा की शुरुआत की।
बीजेपी महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान देश में बिजली संकट का मुद्दा उठाया। रूडी बोले, देश में बिजली कटौती बहुत बड़ा संकट है, जल्द ही इसको दूर किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा भले ही पांडवों की संख्या कम रही हो लेकिन 100 कौरव मात नहीं दे पाए थे। राज्यसभा में बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के चर्चा की शुरुआत करने से पहले बीएसपी सांसदों ने किया हंगामा, राज्यसभा को 10 मिनट के लिए किया गया स्थगित। मोदी सरकार के रोड मैप पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों की तैयारी। सदन में कांग्रेस की टोका टाकी से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू नाराज, बोले कांग्रेस ने हार के बाद भी नहीं लिया सबक, ऐसा लगता है वो नहीं हम हारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की 4 स्टैंडिंग कमेटियों को भंग किया, सूत्रों के मुताबिक इनमें आधार कार्ड की समिति भी शामिल। मोदी सरकार ने इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी पर भंग किया है। बजट को लेकर सरगर्मियां तेज, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकर से की चर्चा, अर्थशास्त्रियों से भी किया राय मशवरा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, नई सरकार के आने के बाद निवेशकों की नजर एक बार फिर टिकी भारत पर। दिल्ली में बिजली कटौती पर केंद्र सरकार गंभीर, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के एलजी और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों की बुलाई बैठक, बिजली समस्या से निपटने पर मंथन। दिल्ली में बिजली संकट पर चली 2 घंटे की मैराथन बैठक, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली संकट के लिए पूर्व की शीला सरकार पर फुरा ठीकरा, बोले 12 साल में बिजली संकट नहीं किया गया कोई काम। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा, 2 से 10 दिन के अंदर बिजली किल्लत को सरकार करेगी दूर, अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के दिए गए निर्देश। पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए हाल में आए तूफान को बताया सबसे बड़ी वजह, गोयल ने जनता को दिलाया भरोसा, बोले 14 दिन में बिजली का संकट पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। अब मिल सकती है दिल्ली वासियों को जल्द ही बिजली संकट से राहत, बवाना प्लांट से राजधानी को मिलेगी गैस। अभी बंद है दाबोल बिजली संयंत्र, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर तत्काल उठाया कदम, दाबोल बिजली संयंत्र 242 मेगावाट बिजली कर सकता है पैदा। दाबोल संयंत्र के परिचालन के लिए चाहिए हर रोज 14 लाख घन मीटर गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के KG D6 में उत्पादन कम होने के बाद रोकी गई थी गैस, दाबोल को फिलहाल 9 लाख घन मीटर गैस मिलेगी। सियासत के बीच दिल्ली की जनता गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल, कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है, पारा भी तोड़ रहा है रिकॉर्ड, उत्तर भारत भी पसीने पसीने। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के PRO ने बिजली संकट के लिए तूफान पर मढ़ा दोष, बोले तूफान की वजह से 3 लाइन डैमेज, गोपालपुर मंडोला बवाना के कई टावर क्षतिग्रस्त। सीलमपुर में बिजली संकट को लेकर धरना प्रदर्शन, बिजली कंपनियों के खिलाफ लगाए नारे, सरकार से बिजली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग। TTPDDL के CEO ने बिजली संकट पर दिया बयान, बोले ट्रांसमिशन सिस्टम में बिजली मिलती रही तो 100% देंगे बिजली। दिल्ली में बिजली कटौती पर छिड़ा सियासी संग्राम, आप विधायकों ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के घर का किया घेराव, हर्षवर्धन ने बिजली संकट का ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ा। कांग्रेस ने साधे एक तीर से 2 निशाने, बिजली संकट पर मोदी सरकार को घेरा, अरविंदर सिंह बोले केजरीवाल को बिजली नहीं सब्सिडी की थी चिंता। बिजली संकट पर पीयूष गोयल के वार पर कांग्रेस का पलटवार, बोले हारून यूसुफ ट्रांसमिशन पर काम नहीं हुआ तो 5600 मेगावाट का बिजली दिल्ली वासियों को कैसे दी। बिजली संकट को दूर करने में महाराष्ट्र का दाबोल बिजली संयंत्र करेगा मदद, दिल्ली को बिजली देगा संयंत्र। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की, बिजली संकट के मुद्दे पर चर्चा की। गंगा नदी में थूका तो हो सकती है 3 दिन की जेल, साथ ही देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना, जल संसाधन मंत्रालय कानून बनाने पर कर रहा है विचार। गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, कड़े कानून बनाने की तैयारी, गंगा में कूड़ा फेंकने वालों की भी खैर नहीं, जुर्माने के साथ हो सकती है 3 दिन की जेल। सूत्रों के हवाले से खबर, मोदी सरकार डीजल पर सब्सिडी खत्म करने पर कर रही है विचार, डीजल के 2 अलग अलग रेट तय करने की तैयारी। केंद्र सरकार कार, SUV और इंडस्ट्री के लिए बिना सब्सिडी वाला डीजल और किसानों के लिए डीजल में सब्सिडी देने पर कर रही है विचार।
बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने मुजफ्फरनगर में हुए बीजेपी नेताओं की मौत पर अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, बोले यूपी सरकार कानून व्यवस्था पर काबू पाने में रही नाकाम। यौन शोषण के आरोपी आसाराम केस के अहम गवाह अमृत प्रजापति की मौत, 23 मई को राजकोट में मारी गई थी गोली, अस्पताल में चल रहा था इलाज। आसाराम केस में अहम गवाह रहे वैद्य अमृत प्रजापति को 23 मई को मारी गई थी गोली, पुलिस ने इस मामले में आसाराम के 6 शिष्यों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। आसाराम पर अमृत प्रजापति ने लगाए थे कई आरोप, आसाराम पर अफीम का सेवन करने का किया था दावा, लेकिन आसाराम के बेटे नारायण साई ने कर दिया था आरोप खारिज। बंगाल के मालदा में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, छात्र स्कूल फीस बढ़ने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। हल्द्वानी में 2 गुटों में झड़प, 1 गुट ने दूसरे गुट पर किया तेजाब से हमला, 17 घायल, घायलों में 8 बच्चे भी शामिल, लंबे समय से चल रही थी रंजिश। 2 युवकों के बीच हुए झगड़े ने लिया बड़ा रूप, एक दूसरे के परिवारों को भी बनाया निशाना, तेजाब से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। थाने में मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर गिरफ्तार, प्रोफेसर का नाम डॉक्टर शैलेश्वर नटराजन, आरोपी पर कई धाराओं के साथ यौन शोषण का आरोप। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर ने डरा धमका कर दिया वारदातों को अंजाम, कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल है निशान, जानकारी मिलने के बाद भी आरोपी का बचाव करने का आरोप। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज की घटना, कॉलेज को थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित करता है, कई पीड़ित छात्राओं ने पुलिस में जाकर की शिकायत, मामले की जांच जारी। मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य फिर से एक बार विवादों में है, अभिजीत और उनकी सोसाइटी के कुछ लोगों पर लगा है आवारा कुत्तों से ज्यादती करने का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र खन्ना अभिजीत पर लगा रहे हैं कुत्तों से मारपीट करने का आरोप, साथ ही खन्ना ने अभिजीत पर लगाया मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। अंधेरी की पौष कॉलोनी की एक सोसाइटी में रहते हैं अभिजीत, शिकायत करने वाला भी उसी सोसाइटी का रहने वाला, वहीं अभिजीत ने सभी आरोपों को किया खारिज। अभिजीत के मुताबिक आवारा कुत्तों की वजह से सोसाइटी में रहने वालों को हो रही है भारी दिक्कत, कुत्तों ने लोगों को कई बार काटा भी है, एनजीओ के नाम सोसाइटी में रहने वालों को डराने की कोशिश। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज की शिकायत, पुलिस कर रही है मामले की जांच, किसी भी पक्ष के खिलाफ अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। देश की संसद में हिमाचल हादसे पर छात्रों को दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया मौन। हिमाचल के मंडी में हुए हादसे पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, हादसे में 24 छात्रों की मौत की आशंका। हिमाचल के मनाली में हादसे का शिकार हुए 4 छात्रों का हुआ अंतिम संस्कार, तेलंगाना सरकार ने हादसे के लिए हिमाचल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में ऋषिकेश से गंगोत्री जा रही मुसाफिरों से भरी एक बस भागीरथी नदी में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 1 लापता, हादसे के वक्त बस में सवार थे 14 लोग। सूरत में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से 2 लोगों की मौत, फ्लाईओवर के मलबे में दबे 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया, कई की हालत गंभीर। मुंबई में कैंपा कोला के टूटने का काउंटडाउन शुरू, बीएमसी ने देर शाम सभी फ्लैट मालिकों को थमाया नोटिस, 12 तारीख तक फ्लैट की चाबियां बीएमसी को सौंपने का फरमान। मुंबई के वर्सोवा बीच पर लहरों के आगोश में समाये 2 मासूम, काफी वक्त बीत जाने के बाद भी नहीं मिला सुराग, बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बॉलीवुड पर चढ़ी जन्नत है कश्मीर की कुमारी, फिल्मों की छोटी छोटी शूटिंग के बाद अब वादियों में पूरी फिल्म होगी शूट, फिल्म दिल दरिया की होगी शूटिंग। इलाहाबाद के तेज बहादुर सरकारी अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से होगा इलाज, अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी की विशेष व्यवस्था। वडोदरा में एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट हुआ हाईटेक, भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जोड़ा गया। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की बायोग्राफी वाली बुक सब्सटेंस ऑफ शेडो का हुआ विमोचन, अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने किया जीवनी का लोकार्पण। किताब के लोकार्पण के वक्त दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो भी मौजूद रही, साथ ही अनिल अंबानी, धर्मेंद्र माधुरी दीक्षित, प्रेम चोपड़ा ने भी शिरकत की। बड़े पर्दे पर फिर साथ दिखेंगे शाहिद कपूर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, फिल्म उड़ता पंजाब में दोनों की जोड़ी फिर से साथ नजर आ सकती है। बड़े पर्दे पर फिर साथ दिखेंगे शाहिद कपूर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, फिल्म उड़ता पंजाब में दोनों की जोड़ी फिर से साथ नजर आ सकती है। 15 जून को लॉन्च होगा सलमान की फिल्म किक का ट्रेलर, सलमान ने मुंबई स्थित गेटी गैलेक्सी नामक सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर को बुक कराया।
अक्षय की फिल्म हॉलीडे ने अब तक कुल 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उम्मीद है कि फिल्म 100 करोड़ी क्लब में जल्द ही शामिल हो सकती है।